मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो बेटा मैंने आपको एक ही मात्रा के शब्दों की रीडिंग कराई थी। आज हम पेज नंबर 53 पर एक ही मात्रा के शब्दों से रिलेटेड एक्सरसाइज है उसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन वर्णों से एक एक शब्द लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वर्ण दिए हुए हैं, आपको इनसे एक एक शब्द राइट करना है। जैसे के से क्या बना, केला। ओके, नेक्स्ट बेर। नेक्स्ट है मेला। रेल। एंड लास्ट इज बेटा। केला, बेर, मेला, पेड़, रेल और बेटा। आया आपको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों के नाम लिखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको इनको देखकर इनके नेम राइट करने हैं। फर्स्ट है, किसका पिक्चर है ये? ट्रेन का, मींस रेलगाड़ी। रेलगाड़ी। नेक्स्ट है, ये किसका पिक्चर है? जलेबी। जलेबी। नेक्स्ट करेला। करेला। एंड लास्ट इज ठेला। रेलगाड़ी, जलेबी, करेला और ठेला। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेल के डिब्बों में एक ही मात्रा के शब्द चुनकर लिखो। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे आपको ये ट्रेन का, रेलगाड़ी का पिक्चर दिया हुआ है। तो आपको इसमें से जो शब्द एक ही मात्रा के हैं उन्हें चूज करके ये रेल के बॉक्सेस में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नहर। तो नहर इसमें एक ही मात्रा है, नहीं है ना, तो इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है ठेरा। तो देखिए ठ में कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा का शब्द हुआ ये, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे ठेरा। नेक्स्ट है नेवला। तो देखिए न पे भी कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है ना, तो इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है सुई। तो इसमें एक ही मात्रा है, नहीं है ना, तो इसे हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है मेला। म में कौन सी मात्रा है? एक ही मात्रा है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट बेसन। तो बे पर इसमें भी एक ही मात्रा है, तो इसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे। और नेक्स्ट है सुबह। तो इसमें एक ही मात्रा है, नहीं है ना, तो इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे। एंड लास्ट इज रेशम। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी रे में एक ही मात्रा है, तो इसे भी हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो आया आपको समझ में? तो बेटा आपको क्या करना है, पेज नंबर 53 पर जो ये एक्सरसाइज है मैंने आपको कराई है, इसे नीट एंड क्लीन वे में अपनी बुक में फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।